यहाँ को जो फिगर दिख रहा है बेसिकली ये है फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि जो फीमेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इसके अगर स्टार्टिंग स्टेज की बात करें तो ये जो स्टार्टिंग स्टेज है यहाँ पे जो आपको संकरी सी स्ट्रक्चर दिख रहा है बेसिकली इसको बोलते हैं सर्विक्स, ठीक है, इसको बोलते हैं हम सर्विक्स, इसको बोलते हैं सर्विक्स, और ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं यूट्रस, ठीक है, यूट्रस, यानी कि इसी को हम हिंदी में बोलते हैं बच्चेदानी। इसके बाद हम आगे जब बढ़ेंगे तो इधर की तरफ और इधर दोनों ही तरफ में आपको ट्यूब लाइक या फिर पाइप जैसी आकृति दिख रही है, इसको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब के बाद यहां पे आपको रेड कलर की दो आकृतियां दिख रही हैं बेसिकली दोनों ही तरफ में, इसको बोलते हैं हम ओवरीज, ठीक है। जिस तरह से पुरुष के अंदर टेस्टिस मौजूद होते हैं स्पर्म का निर्माण करने के लिए, उसी तरह से फीमेल के अंदर, ठीक है, टेस्टिस की जगह पे फीमेल के अंदर ओवरीज मौजूद होती हैं एग का निर्माण करने के लिए, यानी कि ये जो ओवरीज होती हैं वो एग का निर्माण करती हैं। हर महीने दोनों में से किसी एक ओवरी से एक एग का निर्माण होता है और वही आगे चल करके जब फर्टिलाइज होता है किसी स्पर्म के द्वारा तो वो आगे चल करके एम्ब्रायो में डेवलप हो जाता है और आकर के इस यूट्रस में कहीं पे प्लांट हो जाता है, यानी कि इम्प्लांट हो जाता है और यहीं पे बच्चे का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। अगर कोई भी एग फर्टिलाइज नहीं हो पाता है, यानी कि अगर कोई स्पर्म यहां तक नहीं पहुंच पाया या फिर एग फर्टिलाइज नहीं हो पाया तो ऐसी कंडीशन में वही एग डिस्ट्रॉय हो जाता है और फीमेल के प्राइवेट पार्ट या फिर फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बाहर ब्लीडिंग के रूप में निकलता है, जिसे हम पीरियड्स बोलते हैं।